हे गाइस, माय नेम इज़ वेज और आप लोग देख रहे हैं बाबाई गेमिंग। आज के साल वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे आपको माय लाइफ वाले एपिसोड में याद ही होगा कि हम नेदर में गए थे और वहाँ नेदर से जाकर हमें जो एक बेस स्टैंड मिला था, उस बेस स्टैंड के हमें फुल एक वो मिला था, हमें क्या बोलते हैं उसको, बेस नेदर एट का ब्लॉक है। उस नेदर एट के ब्लॉक से मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें वो कर ली, मैंने नेदर एट की कर ली, जैसे ये पिकैक्स हो गया और हमें सारी चीज़ें कहाँ गई, स्वॉर्ड हो गई, मैं नेदरराइट का और सामान भी ले सकता हूँ। मेरे पास मेरे सारे सामान कहाँ गया, वुड एक्स भी थी मेरे पास नेदरराइट की, मेरा पता नहीं मेरे पास जो एक्स थी मेरी वो सारी कहीं कहाँ, मैंने अभी सारी चेस्ट में भी देख लिया। गाइस फाइनली हमें मिल चुकी है हमारी, मैं गाइस सोच रहा था कि ये हमारी सारी चीज़ें आज खोई गई, तो गाइस मैं आपको एक बढ़िया वाला सरप्राइज देने वाला हूँ। चलते गाइस बाहर, पहले बाहर के साइड कोई मॉब नहीं है, मैं अब देख के हैरान हो जाएंगे। गाइस मैंने क्या चीज़ पकड़ी, गाइस मैंने इसको पकड़ लिया, फॉक्स को। गाइस इसको पकड़ना मुश्किल है, वैसे मैंने एक लीड थी मेरे पास, वो लीड पता नहीं कहाँ गई, हमारे पास एक लीड थी और मैंने आवाज़ कैसी निकाली है सुनी गाइस, अभी इसने आवाज़ पी करके निकाली। चलो गाइस मैं आज का अपना मेन मोटिव बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं हम एक आज हम फार्म बनाएंगे। गाइस कौन सा फार्म, मैं आप सोच रहे हो भाई कौन सा फार्म, आज हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक जाइंट ऑटोमेटिक फार्म्स, जो होगा एक वीट का होगा और एक लेमन का और उसका होगा पम्पकिन का। चलो भाई अभी हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए भाई हमें पहले डिस्पेंसर चाहिए होंगे, पिस्टन चाहिए होंगे और ऑब्जर्वर चाहिए होंगे। चलो भाई पहले मैं सारी चीज़ें पहले देखता हूँ बनती कैसे हैं। पहले मुझे यहाँ से ना कंगन चेस्ट, मेरी स्टोन वाली चेस्ट कहाँ है, ये इसमें पे कोबल स्टोन तो होगा, हाँ यहाँ पर कोबल स्टोन है। अभी पहले हम इस कोबल स्टोन की एक फर्नेंस बना लेते हैं। और हाँ गाइस आपको मेरा ये कासल कैसा लग रहा है, गाइस मैं अभी आपको ऊपर से दिखा के आऊँगा, पहले हम थोड़ा सा काम रह गया। गाइस आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हर जगह टिप टॉट चीज़ और ये लालटेन, मैं आपको लालटेन बनाना सिखाऊँगा और साथ में चैन भी बनाना सिखाऊँगा। चलो गाइस पहले अभी हम यहाँ से अपना सारा जो काम है इस फर्नेंस को हम रखते हैं इस जगह पर। और मेरे पास कुछ कोल था, हाँ भाई मेरे पास कोल हैगा, एक कोल को हम रखते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम लेते हैं अपने नेदर वॉक, क्या क्वार्ट्स से नेदर वॉक बोल रहा हूँ, क्वार्ट्स इसको हम रखते हैं यहाँ पर। जब तक ये बन रहा है गाइस तब तक हम देखते हैं हमारा पिस्टन कैसे बनते हैं। ये मुझे ये चाहिए एक रेडस्टोन और कोबलस्टोन, और डिस्पेंसर के लिए एक क्वार्ट्ज दो रेडस्टोन, पिस्टन के लिए एक रेडस्टोन एक आयरन, तीन वुड ऊपर कोबलस्टोन यहाँ पर, एक वुड एक आयरन। गाइस आयरन की तो कमी नहीं है, इसे यहाँ पर भी रखा तो होना चाहिए। हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आयरन हमें मिल चुका है और वुड तो अभी हम लेके शायद ही पड़ी मेरे पास भाई, इतनी सारी वुड पड़ी है, प्लैंक्स बहुत सारे प्लैंक्स पड़े हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अभी क्वार्ट्ज बने, गाइस तीन या चार क्वार्ट्ज बने, जब तक मैं आपको अपने कासल का टूर करवा के आता हूँ। हम ऊपर आएंगे तो गाइस हमें कुछ ऐसा सा व्यू मिलेगा, गाइस आपको कहाँ से कुछ ऊपर से ऐसा देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ से कुछ दो वॉच टावर्स हैं। भाई नहीं चले, ओ नहीं 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 मैं ये पत्ता डैमेज लूंगा। और अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको, एक यहाँ जब मैं कासल अपना रेडी कर रहा था तो मैंने ऐसे टेम्पररी यहाँ बेड लगा दिया था और इसकी लैडर्स था यहाँ ऊपर जाने के लिए, और सेम टू सेम ऐसा है और एक यहाँ है। गैस बस इतना ही है यहाँ पर हमारा, अभी यहाँ पर इंचांटिंग रूम लाइब्रेरी वाइब्रेरी सब यहाँ पर बनाएंगे अभी हम। चलो बस अभी हम चलते हैं नीचे की साइड, हम कहाँ से आए थे, हमारा डोर खुला हुआ, हम जहाँ से भी आए थे शायद यहीं से आते हैं, नहीं शायद यहाँ से, हाँ
गाइस कहाँ से आए थे हम? यहाँ से आए थे एक्चुअली, पक्का। अरे यार सामने से आए थे, अब तो सामने से ही आए थे। ये रास्ता रह गया गाइस, मुझे अपने कासर का रास्ता याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ का पहले गेट बंद करते हैं, देखते हैं अब तक क्वार्ट्स बच गए हो गाइस। मैं आप देखते हैं हमारा क्वार्ट्स तैयार हुआ या नहीं हुआ। 17 हो गए गाइस, बहुत है, इतना इतना तो बहुत है। फर्स्ट पहले तो अभी हम बनाएंगे अपना वो रेड स्टोन तो ले लूँगा इस, पहले मैं रेड स्टोन यहाँ पर नहीं, रेड स्टोन मिलेगा हमें यहाँ पर। 34 ले लेते हैं, 34 गाइस बहुत होगा, बहुत यहाँ पर तो थे। हाँ मैंने ऐसे तीन तो नहीं बनाने हैं, हमें ज़्यादा बनाने हैं गाइस। कोबल कोल मिल जाएंगे, हम पास स्टोन्स हैं बट कोबल स्टोन्स नहीं है। स्टोन्स बहुत हो गए हमारे पास, अगर हम इन स्टोन्स की स्टेयर को, कोबल स्टोन की स्टेयर्स को अगर नहीं कर सकते यार, यहाँ से कोबल स्टोन लेके ही आने पड़ेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ से अपना कोबल स्टोन लेने, इस वाली पिकेक्स को रख के, नेदरराइट की पिकेक्स को रख के, कोई यहाँ से कोई नॉर्मल पिकेक्स ले लेते हैं। चलो अभी चलते हैं हम अपना सिंपल कोबल स्टोन माइन करने। गाइस हम कोई एक एक्सपेंसिव सी जगह पर चलेंगे जहाँ पर कुछ अच्छा भी हो। गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी शवल है, और उसकी शवल की मतलब पावर कितनी तेज़ है गाइस। 2 सेकंड के, 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरा एरिया क्लियर। आज गाइस हम माइनिंग यहाँ से करेंगे पर, ओ ओ ओ भाई, ओ हो गाइस, यहीं से आज हम नीचे जाने वाले हैं भाई। इन्हें तो कुछ जल्दी नहीं खोद दिया चलिए इसको खोद। गाइस मैं नीचे पहुंच के आपको मिलता हूँ। गाइस मैं नीचे तो जस्ट ऑलवेज पहुंचने वाला हूँ, लेकिन एक गलती हुई, मैं यहाँ पे से अपने लालटेन्स लेकर आया हूँ और सिल्टर्स वाले पिकेक्स लेके आया नहीं हूँ। उन पास टॉर्चेस सिर्फ दो हैं गई। वैसे नीचे लावा है, इतना तो है कि हाँ लावा से कोई रोशनी रहेगी। आगे पानी वानी नहीं है क्या? पानी तो है। ओ भाई पीछे जगह मैं नहीं गिर जाऊँ पानी के चक्कर में, और थोड़ा सा आयरन की ज़रूरत है ही नहीं। ओ आगे आगे लावा है। ओ ये पत्थर ये कैसे लगा है? हमें कोबल स्टोन बहुत, यहाँ से हम थोड़ा ये रेड स्टोन आए हैं तो रेड स्टोन भी लेकर चलेंगे। ओह रेड स्टोन बह गया शायद इसके साथ, बह गया मुझे, मिल गया। हाँ भाई शायद मिल गया रेड स्टोन मुझे। मुझे यहाँ पर थोड़ी डर्ट लगानी पड़ेगी इस जगह को ब्लॉक करने के लिए। ओ पानी चला गया यहाँ का। चल भाई ये तो सही हुआ एकदम। अभी हम यहाँ से जितना हमें रेड स्टोन मिलता है, रेड स्टोन जितना क्या, और तो है आगे है और है। तो कोबल स्टोन है क्या ये? सुनना ग्रह वाले इसलिए उसकी शवल तोड़ने तैयार हो गया था। अरे हमें वो लेके आना चाहिए गाइस अपनी कौन सी पिकैक्स है वो। तो गाइस पक्का यहाँ लावा में जाने वाला है ये, मैं पहले यहाँ खड़ा होता हूँ इसको तोड़ूँ मैं, ये मेरे पास ही आया अभी। हो गया पहले कितने रेड स्टोन हो गए? 58 रेड स्टोन हो गए गाइस, बहुत ही बढ़िया। ओह गाइस सामने देख सकते हैं आप, सामने तरफ डायमंड है। अभी मैं जाकर अपनी फॉर्चून वाली पिकैक्स लेकर तो आता गाइस, किसी और दिन ऐसे आएंगे हम। आगे थोड़े से आगे चल के देखते हैं, मैं अपना बेड भी लेके नहीं आया, बस प्लैंक है और 3 वो हैं जो यहाँ सिंपल एक माइनिंग टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ये रखते हैं, खोलेंगे यहाँ बेड, ये बेड यहाँ बन गए, एक यहाँ रखते हैं। चलो भाई गुड नाइट, ये सही कह रहा है, हमने यहाँ पे अपने लिए एक अलग से बेड बना लिया। चलो भाई बेड को कलेक्ट करते हैं, माइनिंग टेबल को कनेक्ट कलेक्ट करते हैं, सॉरी कनेक्ट, वो आगे भी रेड स्टोन थोड़ा सा। मैं यहाँ पे थोड़ी डर्ट लगानी पड़ेगी, अभी तक वो इंटरफेस खराब था।
यहाँ से पहले मैं ये रेडस्टोन तोड़ लेता हूँ गाइस, फिर बाद में हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। चलो गाइस कलेक्ट हो चुका है यहाँ से रेडस्टोन भी, और आगे और कुछ एनीबॉडी एल्स? अगर हम ऐसे आगे थोड़ी डर्ट लगाते लगाते चलेंगे। सामने गोल्ड दिखा, मुझे थोड़ा सा गोल्ड दिखा गाइस। ऊपर तो शायद हम यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं ऊपर ये तो ऊपर नहीं होगा ना। चल 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 चलो भाई यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ से थोड़ा सा। अब हैंड टू हैंड, ओ भाई नीचे जस्ट लावा है गाइस। मैं यहाँ से गाइस एक ऑब्सीडियन तोड़ दूँ ना, मुझे पता टाइम तो लगने वाला है। कोई बात नहीं, बस लावा बुझ जाएगा। गाइस बहुत टाइम लगने वाला है इस ऑब्सीडियन को टूटने में, तो यार जल्दी टूट जा फिर गाइस, काम आसान हो जाएगा ना। मैं बाई चांस इधर अगर गिर गया तो पानी में जाया गिरूँगा ना गाइस। टूट भी रहे नहीं, टूट रहा है, मुझे नहीं लग रहा टूट रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा भाई टूट रहा है वो गाइस। गाइस मैंने यहाँ पे दो भी अगर डर्ट लगा लिया, मैं गिरूँगा तो यहीं पे गिरूँगा। तो अभी यहाँ से हम ये जितना गोल्ड है वो गाइस गोल्ड तो काफ़ी ज़्यादा है वो। नहीं 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 इसको तोड़ लेता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ भैया। हम कोबल स्टोन लेने आए थे वैसे, वैसे कोबल स्टोन भी बहुत हो गए हमारे पास। बस वो मिस होते होते लैपिस, लैपिस लजूली मिली है हमें। थोड़ा सा ये ग्रेवल लग के हम आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया। लैविंग लैपिस भी गाइस इंचांटिंग के काम आता है। ओ भाई आगे गाइस और रेड स्टोन है। चलो भाई यहाँ पे सही हमें लूट मिल गई, यहाँ से अब लूट, यहाँ से लूट लेके चलेंगे गाइस। अब हम कितना लैपिस मिला मुझे? 17 लैपिस गाइस बहुत है। एक वन स्टैक ऑफ रेड स्टोन और मिल चुका है मुझे। और हमें रेड स्टोन थोड़ा सा और मिल चुका है। ओ गाइस चलो बस मुझे लगता है इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लालच पना ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। नहीं 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 बच गया गाइस, जस्ट मिस हो गया मैं। चलो यहाँ से अपनी लगाई हुई खुद की लगाई हुई ग्रेवल इतना नहीं खोदने के अंदर भाई। तो वापस हम चलते हैं जहाँ से हम आए हैं, जिस दुनिया से हम आए हैं, इस दुनिया में चाहे हम। तो मैं उसमें थोड़ा सा सब कोबल स्टोन उड़ लेता हूँ, मुझे ऊपर जाने के लिए आसानी हो जाएगी। मुझे कोबल स्टोन चाहिए, बाकी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये कुछ और है मेरे ख्याल से, मैं कोबल स्टोन नहीं तोड़ रहा, हाँ मैं ये एंडेसाइट तोड़ रहा हूँ। हाँ ऐसे कहीं मुझे एंडेसाइट की बहुत ज़रूरत है, एंडेसाइट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा कासर में एंडेसाइट बहुत लगा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो गाइस अभी हम यहाँ से सारा एंडेसाइट तोड़ लेते हैं। वैसे मुझे कोबल स्टोन की ज़्यादा ज़रूरत है, एंडेसाइट बाद में यहाँ से ले जाएंगे आप। वैसे आज का हमारा प्लान था, वीडियो वैसे बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा प्लान था सिर्फ और सिर्फ वो बनाना बाकी। लेकिन गाइस हमारे पास कोबल स्टोन नहीं थे क्योंकि मैं गरीब हूँ। चलो गाइस यहाँ से अभी सारा हमने ये तोड़ लिया है। अब गाइस हम चलते हैं ऊपर की साइड, हमारी बहुत खुदाई हो चुकी है। यहाँ से सही रहेगा? हाँ यहाँ से सही रहेगा, थोड़ी सी पीछे। ये सारे एंड साइड की गाइस इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें बाद में आके ले जाऊँगा, ऐसे बहुत एंड साइड पड़े हुए हैं इज्जत। चलो गाइस जल्दी जल्दी सब ऊपर चलते हैं, मैं आपको ऊपर जाकर मिल। गाइस मैं वापस से ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ा सा खाना ले लेते हैं। शॉट चलो गाइस अभी हमने इसको मार दिया है और अभी हम कासल अंदर चलते हैं अपने। जब मैंने बीच में माइनिंग कर ली थी क्योंकि गाइस मुझे कोबल स्टोन की बहुत ज़रूरत और पड़ गई थी, मतलब वहीं पर ही। चलो गाइस यहाँ पर अभी हमारे ये क्वार्ट्ज भी बनी गए होंगे ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर हम अपने डिस्पेंसर और ऑब्जर्वर ज़्यादा से बना सकते हैं। हाँ
बस 15 तो इतना ज़्यादा तो चाहिए, मुझे बस 8 चाहिए, 7 8 9 बना लेता हूँ मैं। और ये भी हमें, हाँ ये भी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, जितने मिलते हैं उतने ले लेते हैं, बस 7 हमें ये मिल गए हैं, वैसे बहुत सारे हैं। अब हमें पिस्टन बनाने हैं, पिस्टन पिस्टन गाइस, कोबल स्टोन की फिर कमी है गाइस। मैं पहले कोबल स्टोन इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने जितने पिस्टन और ऑब्जर्वर चाहिए थे गाइस मैंने बहुत सारे आपके सामने जो वो कर लिए थे, लेकिन मेरे जितने डिस्पेंसर थे सब तो फिनिश हो चुके हैं। मेरे पास ये ऑब्जर्वर थोड़े से पिस्टन बचे हैं, ऑब्जर्वर का कुछ काम ही नहीं था मुझे, और डिस्पेंसर सारे ख़त्म हो चुके हैं गाइस। इस फार्म में पता नहीं क्या परेशानी हो गई गाइस, मैं ये चल नहीं रहा। मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, पहले मैं एक चीज़ ना खुद बना के देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ गाइस। पर ये मुझे चल नहीं रही, इसलिए मैं सोचा इसको बंद, इसको चलता है वो करने रहने देता हूँ गाइस। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपल एक डिस्पेंसर इधर लगाना होता है, उसके आगे एक होल से खोदना होता है, और फिर वहाँ पर आपको जो सीड्स थी वो लगा दी। मेरे पास जो मैंने आपके देखूंगा मेरे कास लगा अंदर ये वाले पम्पकिन, ये जो अंदर पम्पकिन लगे मैंने जितनी सारी कलर करके लेकर आए थे ढूंढ ढूंढ के, ये सारे इनके जब मैं इनको काटा था ना, जितनी सीड्स मुझे मिली थी तो मैंने ना वो सारे मैंने वो सारी सीड्स जगह यहाँ पर डाल दी। और गाइस ये ना शुरुआत शुरुआत में बहुत अच्छा काम करा, लेकिन अब पता नहीं है तो इसमें ग्रो नहीं हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं तो ये कहीं से काट नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो चार पम्पकिन हमारे पास आ ही चुके हैं। सो गाइस अब ये हमारे पास ये पता नहीं काम करेगा भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो मैं इसकी पक्का आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और गाइज हाँ मैंने अपने कास्ट के अंदर एक चेंज करा है, ये मतलब मैंने वीडियो थोड़ी रोक रोक के चल यहाँ से गाइज, अब देख सकते हो मेरे HP 10 है, क्योंकि गाइज मैंने अपनी इस पर फ्लेम और वो पावर लगाई है। गाइज आपको मेरा कासल कैसा लग रहा है, ये चीज़ कासल में अगर आपको सामने होना हो ना, अगर आप सोच रहे हो भाई ये लालटेन कैसे लेकर आए, भाई आप फिक्र मत करो, आपका भाई यहाँ पर है, मैं आपको भी क्राफ्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास हाँ मैंने सारे वो सारे वो खो दिए, मतलब सारे वेस्ट कर दिए इनको बनाने में। क्या करना है आपको, यहाँ पर रखना है सिंपल कुछ नगेट्स ले लेना है, इसको आपको यूँ रखना है, या नगेट्स यहाँ से लेना है, ये नगेट देखो आपकी चेन बन जाएंगी है ना इसी तरीके से। ये आपको लालटेन एक हमारे पास, हाँ टॉर्चेज में पास सारे ख़त्म हो चुकी हैं। क्या करना है आपको, नगेट्स को यूं करके रखना है, एक नगेट रह गया यहाँ पर, नहीं लालटेन ऐसे करके बन जाएगा आपका सिंपल। और आप इसको टांगो मतलब 18 लालटेन बन जाएंगी एक बारी में गई, मुझे तो मैं बहुत सारे बनाए थे लेकिन ये 18 में नोटिस अब पहली बार करा है मैंने। आप इसको लगाओगे किस तरीके से मैं अभी आपको बताता हूँ, उस साइड लगाते हैं, सारे सारे लग गए गाइस, इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना गाइस। देखो ऐसे करके आराम से लग जाएगा, चेन वो चली गई गाइस। अभी मैं आपको ऐसी ही कासल में ऐसे कुछ नए नए चेंजेस देखने को मिलते जाएंगे, तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना ये भाई ये कहाँ लगी टॉर्च। अच्छा हाँ तो गाइस ये ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलते नहीं है गाइस, अगर आपको ये मतलब ऐसे और चेंजेस देखने हैं तो गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन करके गाइस मुझे बताओ। गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लूटने ना, एक मैंने मकसद था ज़्यादा तो वो, आज हम ना एक विलेज लूटने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ विलेज कहाँ पर है। भाई गाइस मैं आपने मेरा आयरन फार्म देखा है, बिल्कुल उसके पास ही है, मैं आयरन फार्म देखता हूँ यूज़ चल भी रहा है नहीं चल रहा है। चलो गाइस पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर आपको आयरन, आपको पता तो है मेरा आयरन फार्म कहाँ है, देखो भाई मैं शवल कितनी तेज काम करेगी, देखो भाई बहुत जल्दी मैं वहाँ पहले पहुँच के आपको फिर वहाँ मिलता हूँ जल्दी से। गाइस मैं अपने आयरन फार्म की तरफ पहुँच चुका हूँ, ये मेरा पुराना एक घर था, यहाँ पे शुगर केन भी थी, अभी हम इन सबको गाइस लेके जाएंगे, फिक्र मत करो मैं थोड़ा इमोशनल होकर बोल रहा हूँ। चलो गाइस अभी हम अपने आयरन फार्म की तरफ चलते हैं, सॉरी प्लीज डिस्टर्बेंस हो रहा है हमारे सामने वाले, ओह चल रहा है आयरन फार्म चल रहा है, ऐसी बात नहीं आयरन फार्म हमारा बहुत अच्छी तरीके चल रहा है। अरे यार मैं यहाँ गिर जाता हूँ, पूरा भर चुका है यहाँ, चार्ज भी पूरी भर चुकी है, ये बस थोड़ा सा रह गया, चलो कोई बात नहीं। क्या हो गया भाई, मैं यहाँ से एक स्टेज टाइप का रास्ता आता है, मैं अब आपको लेके चलता हूँ विलेज, आपको सामने दिख ही रहा होगा पूरा टक्कर पर एक विलेज, वो मेरा निशाना घर के एकदम बीच बीच में लग गया। चलो गाइस अभी हम उस विलेज के अंदर चलते हैं संभाल के थोड़ा सा, चल जल्दी से गाइस अब वहाँ पे चल के जितना सामान होगा सब लूटेंगे, ऐसी बात नहीं विलेज क्यों दिया जाता है माइनक्राफ्ट के अंदर लूटने के लिए, हम उसे लूटेंगे। चलो गाइस अभी जल्दी से ऊपर पहुँच जाते हैं हम गाइस, जब मैं अपने अभी मैं ऑफ कैमरा में आया ना, पर जब मैं अपने आयरन फार्म के पास देखना चल रहा नहीं चल रहा, तब गाइस मुझे ये दिखा। चलो भाई जब हम घर का थोड़ा द्वार
द्वार तो बोलते हैं इस गेट, घर का गेट खोल खोल के हम चेक कर लेते हैं। ओ बुक शेल्फ मिल गई, स्मूथ स्टोन मिल गए, लेदर के शूज़ मिल गए। अंदर से यही कहा था बुक शेल्फ भाई, हमें बुक शेल्फ इन्हें बहुत। मेरी पिकैक्स वो मेरे घर में रखती। मेरे पास अब एक पिकैक्स है भी नहीं, वो डेस्क से टूट अभी नहीं इतनी जल्दी है, बहुत टाइम लगेगा, चेस्ट तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। पर हमें लेनी ही नहीं है चेस्ट। बस ये तो हम लेके जाएंगे भाई, बैरियर अपने साथ लेके जाएंगे हम। इसको क्या फेंकूँ, नगेट्स फेंक देते हैं, आयरन की तो कमी है ही नहीं। अरे अरे जिसकी चेस्ट जिसकी बैरियर के बदले मैंने उन्हें आयरन दे दिया थोड़ा सा। चलो अभी और घर लूट विलेज लूटते हैं, जब हम बेड ढूंढ लेंगे, बेड मेरे पास पड़ा तो होगा, बेड नहीं पड़ा क्योंकि मैं जब काम करता हूँ ना भाई, जहाँ पर वहाँ पे बेड लेता हूँ उसको थोड़ा यहाँ सो देते हैं। सुबह को उठ जल्दी से उठ जाते हैं। अब गाइस जल्दी जल्दी सारा विलेज लूटते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम। ओहो 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 ये क्या फेंकूँ मैं, बोन फेंक देता हूँ और ये फ्लावर्स फेंक देता हूँ। बोन थोड़ी दूर फेंकता हूँ दोबारा। मैं नीचे वीडियो, ओ गाइस डॉग डॉग, हम और डॉगों को लेके चलेंगे अपने साथी। मैं यहाँ पे सैंड फेंक गए, मैंने यहाँ पे सैंड फेंक के बोन मील कलेक्ट कर ली है यहाँ से जितने कैरेट हैं। मुझे जल्दी जल्दी गई, मेरी आदत नहीं है ना जल्दी जल्दी तोड़ने की। ओहो समझ आया कैसे तोड़ना जल्दी जल्दी, तुझे नहीं टूटना जल्दी जल्दी। अभी हम गाइस इन सारे डॉगों को टेम करके इनके न्यू घर में लेके जाएंगे। कितने पैसे कितने कैरेट होगा मेरे पास, उस एक स्टैक भाई गाइस पूरा हो चुका है मेरे पास और थोड़े से बच भी रहे हैं। तो क्या फेंकूँ, लेदर के शूज हमारे किसी काम के, डर किसी काम के नहीं है भाई, लेदर के शूज किसी काम के नहीं है। आ गए कैरेट, मैं जल्दी से बोन डॉग देते हैं पर ये रहे। चलो भाई टेम हो चुके हैं वो, एक तो टेम हो चुका है और एक और भी था ना, एक बोन जगह टेम हो जाएगा ये, मुझे तो नहीं लगता भाई टेम हो जाएगा। हमारी हंगर थोड़ी लो हो रही है, हंगर को पहले फूल कर लेते हैं। वीट कितनी नीड नहीं है गाइस, ऊपर कुछ और भी है। काश गाइस पोटैटो हो, ऊपर पोटैटो, ओह एक एक साइड है गाइस पोटैटो है एक साइड। है ना गाइस अभी जब जल्दी से सारे पोटैटो यहाँ से तोड़ लेते हैं जितने पोटैटो पॉसिबल हो सकते हैं। और जगह है वो, एक डॉग थे तो हमारा ही है ना, इसी को ये बोन भी जरा इसी को खिला देते हैं गाइस। खा नहीं सकते क्या अभी, नहीं खा सकता, चलो कोई बात नहीं। ये बोन अभी यहाँ फेंक देते हैं, यहाँ जितने पोटे जितने कैरेट और पॉसिबल हो सकते हैं तो गाइस हम उन्हें ले लेते हैं भाई। गाइस टूट ही नहीं रहे तो भाई, बोन फिर कलेक्ट हो गई जल्दी से गाइस। ये भाई यहाँ पर सिर्फ कैरेट ही कैरेट मिलते हैं क्या, कैरेट के मतलब वो, हाँ कैरेट यहाँ पर खदान खोद रखी है क्या गाइस। यहाँ से जितने विलेजेस हम पॉसिबल हो सकते हैं हम अपने कासल के अंदर, ये कहाँ भाग रहा है वीडियो वाला, जितने यहाँ से विलेजेस पॉसिबल हो सकते हैं हम उन्हें अपने कैसल में लेकर जाएंगे। जैसे कैसल बोल तो रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा कैसल है हमारा। हाँ लेकिन गाइस टाइम टू टाइम गाइस हम उसे भी बहुत ही बड़ा कर लेंगे। एक ख़त्म हो चुका है स्टैक, एक गन पाउडर का हमारे कुछ अचार नहीं डालना, गन पाउडर का हमें कुछ काम नहीं है भाई। इतना सारा कैरेट मतलब मैं कहाँ ही लेके जाऊँगा भाई, एक स्टैक और कर लेते हैं इस पूरा फिर चल रहे हैं। मुझे पटेटो को ज़्यादा नीड थी क्योंकि ना वैसे कैरेट भी जो ब्लेजर जो ब्रीड करते हैं ना वो पोटैटो से करते हैं गाइस ब्रीड। चलो गाइस अभी हम उसे यहाँ भर लेते हैं। गाइस यहाँ पर मुझे कुछ बेरीज मिल चुके हैं, अब मैं इन बेरीज को तो छोड़ ले भी ना जाऊँगा नहीं। गाइस हम बेरीज का फार्म बनाएंगे, हमने अपनी फॉक्स को घर में बांध लिया है आप ऊपर छत पर। अरे ये बेरीज ही है ना,
ये बीट रूट, हाँ शायद बेरीज ही होती हैं ये। इनके मेरे पास सीड नहीं आ रहे, इसको मैं क्या फेंकूँ गाइस। सैम का कुछ काम नहीं है यार वैसे मुझे मुझे मेन पोटैटो और गाइस कैरेट तो बहुत सारे मिल गए। मुझे नहीं लगता गाइस ब्रीड जो विलेजर जो ब्रीड करते होंगे वो कैरेट से करते होंगे। वैसे मैं वीडियो देखता हूँ टेक्नो भाई के, अपनी वीडियो देखता हूँ गाइस, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता गाइस वो जो विलेजर ब्रीड करते होंगे। 62 हो चुके हैं हमारे पास पोटैटो, 64 हो चुके हैं एक्चुअली। चलो गाइस कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इनके घर भी लूट लेते हैं, कि घरों में जो होगा वो सब ले जाते हैं। चलो भाई यहाँ से जितनी जल्दी जल्दी हो सकता है जल्दी जल्दी यहाँ का मामला खाली करते हैं गाइस यहाँ से। ओ भाई हॉर्सेस, हॉर्सेस तो यहाँ से सारे लेके जाएंगे गाइस। मैं वहाँ से भागते भागते अपने आप आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ रह नहीं चुका है, तुम मैंने नहीं लिया हो। चलो एक तीर यहाँ चलाते हुए, तीर ही गायब हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है, पता नहीं तीर कहाँ चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये बार बार आता रहता है क्या ट्रेड वाला, हमारे पास तो एमरोल्ड भी नहीं है। चलो हाँ उनसे ट्रेड करेंगे, फिर एमरोल्ड भी लेके आएंगे गाइस हम बहुत सारे। मैं यहाँ पर कुछ चेस्ट देखता हूँ खाली, तो चेस्ट तो मेरे पास खाली पड़ी है ऑलमोस्ट, बस मैंने डिज़ाइन की रख रखी है। यहाँ पर जितना सारा सामान लेके आया हूँ वहाँ से लूट कर, वैसे मेरे पास आलतू फालतू सामान भी गाइस बहुत ही है। बीट रूट सीड्स भी मुझे मिल चुकी हैं, पोटैटो सीड नहीं मिली है मुझे, बस इतना सामान लेके आया था मैं। अच्छा एक कैरेट और है, ये सारा फालतू आलतू का सामान के लिए मैंने यहाँ पे चैशे रख रखे हैं, जिसमें हम सारा अपना आलतू फालतू का सामान रखते ही रहते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे सारा आलतू फालतू का सामान रखते गए। अभी हम वहाँ पे चलेंगे अपने ना गन जो फार्म बनाया है हमने, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक फार्म, किस चीज़ का, पंपकिन का ऑटोमेटिक फार्म लोग बोल रहे हैं भाई, तुझे अपने फार्म का नाम याद नहीं है भाई। याद है ऐसी बात नहीं है, ये सारा खाना अपने पास रख लेते हैं हम। बीट रूट 21 मिली थी हमें। चलो भाई अभी हम चलते हैं यहाँ से, देखते हैं एक भी पंपकिन आया गाइस। अगर एक पंपकिन आया होगा ना, स्ट्रीडर्स को मारने का दिल चाह रहा है मेरा भाई। एक भी पंपकिन नहीं आया, एक भी नहीं जी, वो क्यों नहीं हो रहे पंपकिन ग्रो, क्यों नहीं हो रहे गाइस यहाँ पर, कोई परेशानी हो गई क्या पंपकिनों को? अपने ला मामू मुझे दे दे तू। गए लैश कर लेता हूँ मैं ना, ये बांध के ना अपने पास ही रख लूँगा। ओ नहीं नहीं भाई भाई थूकी मत भाई थूकी, नहीं 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 थूक थूक मत थूक मत थूक मत थूक मत। मेरे पास ऑलरेडी 2 लामा पड़े हुए हैं गई, ये ब्रीड करते हैं, अगर ये ब्रीड करते होंगे तो मेरी फॉक्स तो ऊपर बंधी हुई है, मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा। लैश बस यहाँ बंदा रहे तो कहीं जाइए मत। ओ गई हॉर्स मिला, हॉर्स मिला, मेरे पास सैडल पड़ी हुई है। सैडल पड़ी हुई मेरे पास, सैडल 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 मिल जाए सैडल गई। यहाँ पर सैडल तो है नहीं, सैडल भाई सैडल कहाँ है मेरी सारी, शायद वैसे एक ही थी वो सैडल लेके तो आया था इसमें तो यार थे पार्ट ये है। तो दो दो सैडल पड़ रही है मेरे पास, मैं ढूंढ रहा हूँ सैडल्स कहाँ। डी स्पॉन हो गया हॉर्स। चलो गाइस कोई बात नहीं, जान लेते हैं उसको। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, कमेंट में करके मुझे बताना अपने कास्ट में क्या क्या नया चेंजेस करूँ। और हाँ गाइस अगले वीडियो में हम एक और ऑटोमेटिक फॉर्म बनाने वाले हैं इस साइड में। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर एंड बाय बाय।